हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जेड ट्रांसफॉर्म के नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें रिपीटेड पोल्स आ जाते हैं, जिसमें रिपीटेड रूट्स हों तब उसका पार्चर फ्रैक्शन कैसे करना ये देखेंगे, और इसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म सारे आरओसी के लिए तो वो निकालना ही है। ये क्वेश्चन करने के बाद आई होप आप सभी को ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म मैंने बताया था एक स्टेप अलग से होता है, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जेड से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन लेने से पहले सबसे पहले क्या करना, जेड से डिवाइड करना। ये सोल्व हो जाएगा, अगर ये सोल्व हो जाएगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड, एक जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा ये जेड स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचेगा ये जेड प्लस वन, और यहाँ पे कितना बचेगा जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। अब करेंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन हमें राइट साइड का करना है, तो मैं राइट साइड को इधर लिख लूंगा, जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस वन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। नीचे देखो डिनोमेटर की पावर न्यूमेरेटर से बड़ी है तभी हम ये पार्शियल फ्रैक्शन लगा पा रहे हैं, अगर इक्वल आ जाए या इससे बड़ी आ जाए न्यूमेरेटर की पावर तो एक डिवाइड करते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक उसकी पावर छोटी ना बन जाए, फिर उसके बाद उसका पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन इतना हाई लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है, इसी को समझो यहाँ से पहले। तो ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन जेड प्लस वन, जब रिपीटेड यहाँ पर देखो डिग्री टू है, ये चीज़ देखो दो बार आ रहा है, तो क्या करेंगे एक एक बार करके लिखते हैं। देखो लिखने का तरीका, बी अपॉन जेड माइनस वन सी अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, अगर पावर तीन होती तो एक टर्म और बढ़ जाता, वो क्या आ जाता सी अपॉन जेड माइनस वन का होल क्यूब। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। उस सबसे पहले क्या करते हैं, अब इसका दोनों तरफ ले लेते हैं हम एलसीएम, जेड स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा जेड प्लस वन, जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, ये तो छोटा सा काम है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए जेड के साथ क्या आएगा जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे बी के साथ जेड माइनस वन ऑलरेडी है, जेड प्लस वन आएगा और एक जेड माइनस वन आएगा, जेड प्लस वन जेड माइनस वन, सी की जगह जेड माइनस वन का तो है ही, उसके नीचे केवल क्या चाहिए मुझे जेड प्लस वन, और इसके नीचे इसका एलसीएम यानी डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा जेड प्लस वन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। दोनों तरफ डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में वो कैंसिल हो जाते हैं। बस इस चीज़ को नेक्स्ट स्टेप में लिख लो और यहाँ से एबीसी की वैल्यू फाइंड करना शुरू कर दो, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बचेगा ए जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, बी जेड प्लस वन जेड माइनस वन, और सी के साथ जेड प्लस वन। मैंने बताया था हमेशा पहले पोल्स फाइंड कर लिया करो, उसके बाद उसके क्या करना, पोल्स फाइंड करने के बाद उसके उन पोल्स को रख देते करो ताकि हम कॉन्स्टेंट की वैल्यू आराम से निकाल पाएँ। तो यहाँ पर देखो सिंप्लीफाइड वर्जन में जेड प्लस वन और जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, यही है डिनोमेटर में, इसको जीरो के इक्वल पुट करूँगा तो जेड की दो वैल्यू आने वाली है, एक जेड इक्स टू माइनस वन और यहाँ से आएगा जेड इक्स टू वन, दोनों को रख दो एक एक करके। तो मैं रख देता हूँ पुट जेड इक्स टू माइनस वन फर्स्ट, ठीक है, तो माइनस वन का इधर कितना हो जाएगा माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस वन का होल स्क्वायर, बी वाला पार्ट भी जीरो, जेड इक्स टू माइनस वन रखा तो सी वाला जीरो, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई वन अपॉन फोर, ठीक, माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, एक आया था पोल आया था जेड इक्स टू वन, तो जेड इक्स टू वन लगाओ यहाँ पे कितना हो जाएगा वन का स्क्वायर, ए वाले में रखा तो जीरो हो गया, बी वाले में रखा वो भी जीरो हो गया, सी की जगह रखा तो कितना हो जाएगा वन प्लस वन, वन प्लस वन, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई वन का स्क्वायर वन होता है वन प्लस वन टू। अब दो ही पोल थे हमारे पास, अभी एक कॉन्स्टेंट और बच गया बी, इस केस में क्या करते हैं जब सारे पोल्स रख दिए हों और हमारे पास कोई जो वेरिएबल है वो ना आ पाए, तो यहाँ पे उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कोई भी अपनी तरफ से जो भी जेड की वैल्यू अच्छी लगती है रख दो अपनी तरफ से। तो अब मैं रख देता हूँ पुट जेड इक्स टू जीरो, सबसे आसान वही पड़ता, तो इधर लगाया मैंने जेड की जगह जीरो, तो यह जीरो का स्क्वायर हो गया जीरो, ए जीरो माइनस वन का स्क्वायर ए ही बचेगा केवल, यहाँ पर लगाओ जीरो प्लस वन वन हो गया, जीरो माइनस वन हो गया,
तो यहाँ से कितना बचेगा माइनस बी। सी की जगह यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 + 1 यानी 1। हमारे पास ए और सी की वैल्यू ऑलरेडी है, बी की निकालनी है। बी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहा हूँ, ए की वैल्यू लगा दूँ यहाँ पे, ए और सी की सॉल्व कर लो इसको एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आ गया 4, तो 1 + 2 यानी बी की जगह कितना आ गया 3/4। ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है, इन वैल्यूज को ऊपर उठा के रख दे रहा हूँ यहाँ पे, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन, तो एक्स जेड अपॉन जेड के बराबर करना है इसको, क्योंकि मैं इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्स जेड अपॉन जेड, ए की वैल्यू कितनी आई है 1/4, कितने थे इसके नीचे जेड, सॉरी यहाँ पे देखो क्या थी, ए के नीचे क्या था, ए के नीचे था जेड प्लस वन। बी की वैल्यू आई है 3/4, बी के नीचे क्या था जेड माइनस, जेड माइनस वन क्या था ये जेड माइनस वन, और सी की वैल्यू आई है 1/2 जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। अब जो ये जेड है इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये जो कॉन्स्टेंट है उनको अलग लिख लो, जेड अपॉन जेड प्लस वन बचाइए, यहाँ से आ गया 3/4 जेड अपॉन जेड माइनस वन हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1/2 जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात पहुँच गई। अब जो ये इसके पोल्स हैं उनको लिख बना लेंगे, पोल्स उसके रिप्रेजेंट कर लेंगे हम, और क्या कर देंगे आर ओ सी फाइंड कर लेंगे। जिसने पिछले वाली वीडियो देखी है उसको समझ आ गया होगा कि इसमें कितने आर ओ सी बनने वाले हैं, उसके लिए बहुत आसान काम है ये। तो पहले जेड प्लस टू को जीरो के इक्वल पुट करो, जेड की जगह कितना आ जाएगा माइनस वन। अगला जेड माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट करो, क्या देगा जेड इक्वल टू वन। तो आर ओ सी इसमें कितने बनने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो ये आ गया जेड इक्वल टू वन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों सेम ही रेडियस है तो एक ही सर्किल बनेगा, एक सेकेंड, ये सर्किल थोड़ा मुश्किल है बनाना, ठीक है ये सर्किल है, थोड़ा ये अच्छा नहीं बन रहा, ऐसे सर्किल बना लेना, ये बन गया सर्किल, ठीक है। हमारे जो पोल थे वो एक वन था एक माइनस वन था। अब क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इसके लिए, हमारे पास यहाँ पे देखो कितने रीजन पॉसिबल है यहाँ पे, एक तो ये इस सर्किल के बाहर का यानी वन से बड़ा वाला, और ये दूसरा कौन सा इसके अंदर वाला। तो हमारे पास दो आर ओ सी आए हैं इस केस में, दो आर ओ सी क्यों आए, दो आर ओ सी इसलिए आए हैं, पहले डिस्टिंक्ट पोल देखो, डिस्टिंक्ट पोल का मैग्नीट्यूड, डिस्टिंक्ट पोल का मैग्नीट्यूड देखो, माइनस ओवर वन का मैग्नीट्यूड वन ही होने वाला, यानी एक ही पोल है हमारे पास, एक पोल है तो उससे एक ज़्यादा आर ओ सी बनते हैं, तो हमारे पास इसलिए दो आर ओ सी बननी है। तो पहला केस क्या है, वेन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले आर ओ सी कौन कौन से, एक तो मोड जेड वन से बड़ा हो, और दूसरा क्या है मोड जेड वन से छोटा हो। माइनस वन वो नहीं देखते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव इसलिए नहीं देखना तो, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो क्या होता है, जो नेगेटिव वैल्यूज है वो पॉजिटिव बन जाती है। बस अब इसी को सोल्व कर दो, दो आर ओ सी, दो आर ओ सी के लिए अलग अलग एक्स ऑफ एन लिख दो। पहले वाले के लिए लिखता हूँ मैं वेन मोड जेड ग्रेटर देन वन, तो एक्स ऑफ एन कितना हो जाएगा 1/4, फॉर्मूला क्या होता है जेड अपॉन जेड प्लस वन का, यहाँ पर मैं देखो वैल्यू लिखता हूँ ए की पावर एन, यू एन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है जेड अपॉन जेड माइनस वन, जेड माइनस ए सॉरी, और यहाँ मोड जेड क्या होता है वन से ए बड़ा, यहाँ पर लेकिन जेड प्लस वन है इसके डिनोमीटर में, ध्यान से देखो यहाँ पे है जेड प्लस वन, तो इसे माइनस की फॉर्म में बनाना, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ जेड माइनस वन यानी ए की वैल्यू कितनी होगी माइनस वन, तो माइनस वन लगा दूंगा, माइनस वन की पावर एन यू एन,
ठीक है। देखो यहाँ पे ये जेड की तरफ है ग्रेटर देन का साइन, तो इसलिए ये कोजल होगा। ठीक है, ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। मैं देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होता है जेड की तरफ तो सिग्नल कैसा होता है, कोजल। और यहाँ पे तुम देख सकते हो एक ही पोल है, उसके बाहर की तरफ है आर ओ सी, तो इसका मतलब वो कोजल होगा। नेक्स्ट अगले वाले के लिए लिख दो 3/4, वो तो डायरेक्ट ही बन रहा है वन का, यूएन का 3/4, ये किसका होता है वन की पावर एन। यहाँ पे क्या लिख देंगे, वन की पावर एन यू ऑफ एन, ये किसका होगा 1/2 जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें स्क्वायर आ रहा है लेकिन निकाल लेंगे हम, देखो यहाँ से बहुत आसानी से निकालेंगे। तो हमें पता है यहाँ से देखो यू एन जेड, इसका जेड ट्रांसफॉर्म कितना होता है जेड माइनस वन, और इसका आर ओ सी क्या होता है मोर जेड ग्रेटर देन वन। अगर मैं एन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस जेड से मल्टीप्लाई और उसका डिफ्रेंशिएशन, तो जेड अपॉन जेड माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन निकालो, ये हो जाएगा जेड माइनस वन, वन जेड का हो गया वन माइनस जेड, जेड माइनस वन का कितना हो गया वन, जेड से यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा माइनस जेड, जेड माइनस वन माइनस जेड, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, जेड से जेड कैंसिल माइनस वन की जेड से की तो कितना आ गया जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, यही चीज़ थी वहाँ पे। यानी ये एन यू एन का रहा होगा। ठीक है, अगर वन लिखना है साथ में लिख दो एन वन की पावर एन यू एन, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वन की पावर एन को भी हटा सकते हैं। प्लस कितना हो जाएगा वन एन वन की पावर एन लिख लो यू एन लिख लो। ठीक है, ऊपर लिख लिया तो लिख लो, अगर वन वन की पावर एन को हटाना तो हटा दो, माइनस वन की पावर एन को नहीं हटा सकते। ठीक है, वन की पावर एन तो वन ही देने वाला हमेशा वैल्यू। नेक्स्ट आर ओ सी जब मोर जेड लेस देन वन है, तो इस बार जो जेड से जो इनिक्वलिटी है वो अपोजिट है उसके, इसका मतलब लेस देन वाली है, तो इसका मतलब ये सिग्नल कैसे लेने वाला एंटी कोजल। एंटी कोजल के लिए निकाल दो वैल्यूज जेड 1/4 जेड, इसका देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है इसका फॉर्मूला माइनस, पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर एंटी कोजल के लिए लिखना है तो कैसे लिखोगे, हमें पता है ए की पावर एन यू माइनस एन माइनस वन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है जेड अपॉन जेड माइनस ए, और मोड जेड क्या होना चाहिए ए से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है माइनस ए की पावर एन यू माइनस एन माइनस वन, जेड के ए की जगह वन लगा दूंगा तो वही चीज़ बन जाएगी जेड अपॉन जेड माइनस वन, लेकिन वहाँ पे प्लस वन है, वहाँ पे क्या है प्लस वन, तो यहाँ पे इसको क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो सेकेंड आर ओ सी के लिए निकालो वैन मोर जेड लेस देन वन, तो हमारा एक्स ऑफ एन कितना आ जाएगा, पहले 1/4 जो है वो माइनस का हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस वन की पावर एन यू माइनस एन माइनस वन। ठीक है, फॉर्मूले से लिख दिया हमने, नेक्स्ट वाले को भी ऐसे लिख देंगे माइनस 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 3/4 की पावर एन, और इसमें क्या आ जाएगा ए की पावर एन यू माइनस एन माइनस वन। अगले वाले के लिए देखो 1/2 जेड अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर, हमें पता है इसका जो आर ओ सी इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म है जेड अपॉन जेड माइनस ए, अगर एन से मल्टीप्लाई करके इधर डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो हमें सेम चीज मिलने वाली है अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर। यानी अगर मैं एन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा, सेम चीज मिलने वाली है जेड अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर, मगर यहाँ पर आर ओ सी क्या होगा ए होगा, यहाँ पर मोर जेड क्या होगा ए से छोटा। ठीक है, तो बस इसमें लगा दो इसी चीज को भैया, माइनस 1/2 कितना आ जाएगा वन की पावर एन यू माइनस एन माइनस वन, बस इतना करना होता है। एक बार पहचान लिए कोजल है या नॉन कोजल है, उसके पास दोनों ही फॉर्मूले अच्छे से याद रखने, ए की पावर एन यू एन का और माइनस ए की पावर एन यू माइनस एन का, दोनों का जो जेड ट्रांसफॉर्म है सेम होता है, बस आर ओ सी में फर्क होता है, यहाँ पे ए वन नहीं ए है, तो आर ओ सी में फर्क होता है, बस एक में मोर जेड ग्रेटर देन वन की तरफ ए के बाहर की तरफ होता है, उसमें अंदर की तरफ होता है, बस निकल गया ये एक्स ऑफ एन, यही पूछा गया था हमसे, यही तो निकालना था हमें, इसमें और क्या करना था, ये दो काम करने थे हमें,
आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, ये केस थोड़ा अलग सा था, इसमें मिस्टेक हो सकती थी, फिलहाल हमने आसानी से कर लिया इसको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।